बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। और आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट और इसका हम लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे। और लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे रजिस्टर होके पूरे कोर्स और कंटेंट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कंप्लीट सिलेबस एज पर FPSC अप्रूव्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन नंबर 65 से। सेक्शन नंबर 64 तक हमने पढ़ लिया था और वो सारा का सारा डील कर रहा था कि जब फॉरेन स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंगेज होती हैं और किसी ने कोई ऑफेंस किया हो फॉरेन कंट्री में और वो रेजिडेंट उसने अख्तियार कर ली हो पाकिस्तान में, तो वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके जो बाकी एसेट्स हैं उनको फॉरफीट कैसे किया जा सकता है, या उसको जो फॉरेन स्टेट है वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकती है कि आपने उसको जो है वो अरेस्ट नहीं करना। तो इस तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है। ये स्टेट टू स्टेट ट्रीटीज़ होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जिन पे अमल दरामद करना ज़रूरी हो जाता है। और स्टेट टू स्टेट जो ट्रीटी होते हैं विद इन कंट्री जो लॉज होते हैं उससे बियॉन्ड होता है, यानी कि ट्रीटी पे इम्प्लीमेंटेशन पहले तरजीह दी जाती है और बाद में फोकियत दी जाती है दूसरे विद इन कंट्री जो लॉज होते हैं। और आज का जो सेक्शन नंबर 65 हमारा ये है शेयरिंग फॉरफिटेड प्रॉपर्टी विद फॉरेन स्टेट, के फॉरेन स्टेट ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फॉरफिट कर ली थी, यानी कि गबन कर ली, काबिज़ कर ली, तो वो अपनी जो है वो तहवील में ले ली। असल इसका मतलब होता है तहवील में लेना, तो तहवील में ले ली होंगी तो वो जो तहवील में ली हुई प्रॉपर्टी है या जो एसेट्स हैं वो फॉरेन स्टेट को कैसे शिफ्ट होंगे या उनको कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसके मुतालिक हमें सेक्शन 65 गाइड करता है। तो सेक्शन 65 में कहा गया है द फेडरल गवर्नमेंट मे एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद द कंपिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ द फॉरेन स्टेट फॉर द रेसिप्रोकल शेयरिंग विद दैट स्टेट ऑफ सच पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी रियलाइज्ड पर्सुएंट टू दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी उनमें कहीं पे भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने इस एक्ट की वायलेशन की हो, भले वो फॉरेनर हो भले वो पाकिस्तानी हो, तो जो फॉरेनर के केस में जब एक इंडिविजुअल कन्विक्ट हो जाता है तो उससे जितनी प्रॉपर्टी वगैरह ली गई होती है या जो फॉरफीट की जाती है तहवील में ली जाती है वो उस स्टेट के स्टेट के साथ इसी तरीके से शेयर की जाएगी जिस तरीके से वो स्टेट पाकिस्तान के साथ शेयर करती है अगर कोई पाकिस्तानी इस तरह का क्राइम जो है वो कमिट करता है और फॉरेन कोर्ट में उस पे केस चलता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट करती है, तो उस रिक्वेस्ट के बदले में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो तआमुन मुहैया करते हैं उसी तरीके से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वही रेसिप्रोकल शेयरिंग होगी इन फॉरफिटेड प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसका सब पार्ट ए है सेक्शन 65 का, इन द फॉरेन स्टेट एज रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, के अगर कोई फॉरेन स्टेट का था और वो नतीजतन फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया या फिर वो पाकिस्तान में मौजूद था एज ए रिज़ल्ट ऑफ एक्शन टेकन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उस पर एक्शन लिया ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द फेडरल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है तरीक़ेकार उसको वजह करेगी प्रिस्क्राइब करेगी कि हमने फलां स्टेट फंस गया UAE के साथ हमारा फलां एग्रीमेंट है और पाकिस्तानी रेजिडेंशियल का जो एक इंडिविजुअल है कोई क्राइम कमिट करता है तो वो UAE की गवर्नमेंट किस तरीके से उसके साथ डील करेगी जब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिक्वेस्ट करेगी। सेम इस तरीके से जब कोई UAE का बंदा पाकिस्तान में अगर रेजिडेंस अख्तियार कर लेता है या वो रह रहा होता है और उसने कोई क्राइम किया होता है और उस UAE की कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है या उसके खिलाफ केस चलाती है और UAE की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारा शहरी है इसने फलां जो है
एक्शन किया था जो कि इस एक्ट के मुताबिक, यानी कि उस गवर्नमेंट का अपना एक्ट होगा, हमारी गवर्नमेंट का अपना एक्ट है, लेकिन वो हमारे एक्ट को रेफर करते हैं कि इस एक्ट के मुताबिक इस बंदे ने फलां चीज़ वायलेशन की थी, तो आप इसके खिलाफ एक्शन लें, या जो भी एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगी अपने इदारों को। इसके बाद है एक्सट्राडिशन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द एक्सट्राडिशन एक्ट 1972, ऑल ऑफेंसेज अगेंस्ट चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू। एक्सट्राडिशन का मतलब है उस पर लागू नहीं होती, यानी कि वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो बावजूद इसके कि कुछ जो हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्सट्राडिशन एक्ट 1972, कि जो एक्सट्राडिशन एक्ट 1972 में चीज़ें होने के बावजूद ऑल ऑफेंसेज अगेंस्ट चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम टू, कि जो इस चैप्टर 2 की जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर किसी ने रूल को वायलेट किया था इस एक्ट, यानी कि एंटी नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट के, जो सब्सटेंस एक्ट की वायलेशन उसने की थी चैप्टर 2 के मुताबिक, तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले बी एक्सट्राडिटेबल ऑफेंसेज, वो यानी कि उनको एक्सट्राडिशन हो सकती है, नॉट बी पॉलिटिकल ऑफेंसेस, और ये ऐसे ऑफेंस होने चाहिए जो कि पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, ये उन पे कंडीशन है। चैप्टर नंबर इसके बाद आता है हमारा, इस सेक्शन 65 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें जनरल चीज़ें हम पढ़ेंगे, और इनमें सबसे पहले जो सेक्शन 67 है वो है रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि अगर किसी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि रकम की नकलो हमल, यानी कि फाइनेंस के रेलिवेंट, यानी कि किसी ने चेक के थ्रू, मनी के थ्रू, बाकी इंटर बैंक ट्रांसफ़र जो होते हैं या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके मुताबिक, और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जो फिनेंशियल होती हैं वो कौन हैंडल कर रहा होता है, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि मेन उसमें रोल जो होता है बैंकिंग सेक्टर का होता है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है जहाँ पर वो डिटरमिन करते हैं कि कोई इंडिविजुअल नारकोटिक्स के जो है वो धंधे में मुलव्वस है और उससे कोई कारोबार कर रहा है, या वहाँ से कोई पैसे कमा के उससे कोई जो है बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करता है, तो बैंक उससे पूछेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और इस तरह की चीज़ को रिपोर्ट करेगा। तो ये सेक्शन 67 जो है हमें इसके मुताबिक गाइड करता है कि बैंकिंग सेक्टर या बैंक्स जो होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती हैं। तो इसको ज़रा हम पहले रीड कर लेते हैं टेक्स्ट को, ताकि साथ में आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद इसके, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ऑल बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती हैं जो बिजनेस में, या सैलरी पर्सन या एक इंडिविजुअल जिसने बिजनेस अपना अनाउंस किया उसके मुताबिक उसने अकाउंट अपना ओपन किया है, वो सेल परचेज करता है और उसकी अमाउंट रेमिटेंसेज वगैरह उस बैंक के पास आते हैं, बैंक उसके चेक कलेक्ट करता है, उसके कैश रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये तो नॉर्मल बिजनेस हो गया। इसके अलावा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, यानी कि एक इंडिविजुअल है उसकी नॉर्मली बिजनेस की रेशियो क्या है कि एक महीने में 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और कि अचानक एक महीने में 20-25 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो उस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। विच हैव नो अपेरेंट इकोनॉमिक और लॉफुल पर्पज एंड अपॉन सस्पिशन एंड सच ट्रांजैक्शन कुड कॉन्स्टिट्यूट और बी रिलेटेड टू इलिसिट नारकोटिक्स एक्टिविटीज, द मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ सच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल रिपोर्ट द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल यहाँ से क्या मुराद है, एंटी नारकोटिक्स के, यानी कि जहाँ पे भी बैंक का मैनेजर या डायरेक्टर जो उसको हैंडल कर रहा है वो देखता है कि एक इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हुई है, वो फौरन उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि ये ट्रांजैक्शन लीगल है या इलीगल है, यानी कि उसके एक अथेंटिक सोर्स होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक रिसोर्स हो और लॉफुल हो, यानी कि वो कोई गलत एक्टिविटी ना हो। अगर उसका कोई सुराग या सरपाव ना मिल रहा हो तो वो ये इस तरह के ट्रांजैक्शन को फॉरेन डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स की तरफ रिपोर्ट करेगा कि ये ट्रांजैक्शन को देख लें कहीं कोई ऐसा इशू तो नहीं है। सबसेक्शन 2 है हु एवर फेल्स टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे बैंक का जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसको पेन पॉइंट किया गया है, उसकी तरफ इशारा है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन वो सबमिट नहीं करता, या वो इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास जब आती भी हैं तो वो कहीं रिपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को नहीं बताता, तो इट्स मीन कि वो गलत कर रहा है, वो खुद इस चीज़ की जो है गलत एक्टिविटी हो रही है उसमें भी मुलव्वस पाया जाता है, भले उसको
उसकी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, तो उसकी ये जो चुप है उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो उसके चुप होने की वजह से या जो अपनी ड्यूटी से नेग्लिजेंस कर रहा है उसकी वजह से वो भी मुलव्वज़ तसव्वुर किया जाएगा, शैल भी पनिशेबल, और उसको सज़ा भी होगी। क्या सज़ा हो सकती है? विल रिगोरस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और उसको कैद बामशक्क़त हो सकती है जिसकी मियाद जो है 3 साल तक हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, या फिर उसको जुर्माना हो सकता है, और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जुर्माना भी हो और कैद भी उसको अवॉर्ड की जाए एज ए पनिशमेंट। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68, जिसका टाइटल है प्रीजम्पशन टू द एसेट्स एक्वायर्ड थ्रू डीलिंग इन नारकोटिक्स, कि अगर किसी एक इंडिविजुअल के पास लीगल वो इकोनॉमिक चैनल नहीं है जहां से वो अपनी मनी ट्रेल दे सकता हो, तो फर्ज़ किया किसी एक जो है एक ट्रांजैक्शन हुई और या एक टाइम पीरियड था, कोई किसी पे कोई क्राइम किसी पे क्राइम था कि उसने नारकोटिक्स की डीलिंग की है, सेल परचेज कोई भी है, मैन्युफैक्चरिंग है या जिस तरीके से भी उसका इलीगल, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है या गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, इसके बावजूद उसने कोई एक्शन लिया, तो वो क्राइम की मद में उसको धर लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उसको पकड़ लिया, FIA ने पकड़ लिया, किसी ने भी पकड़ लिया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके जितने एसेट्स होंगे, फ़र्ज़ किया उसके जितने भी एसेट्स होते हैं, और उससे जब उसका ट्रेल पूछा जाए कि आप मनी ट्रेल बताएं कि जितने ये आपके एसेट्स हैं, इतनी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका बताएं कि आपने सोर्सेज कहाँ से लेके ये चीज़ें आपने बनाई हैं, तो जिनका मनी ट्रेल दे देता है वो समझी जाती हैं कि उसकी हलाल रिज़्क हैं, जिनका मनी ट्रेल नहीं दे सकता तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसने ये हराम की कमाई यानी कि एंटी नारकोटिक्स कि जो बिज़नेस है उसमें से ये पैसा कमाया। तो इसमें इस सेक्शन में ये बात होगी, तो देख लेते हैं ज़रा टैक्स ताकि आपको इसके टैक्स की भी सही तरीके से समझ आ जाए। वेयर देर इज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द एसेट्स ऑफ ए पर्सन और एनी पार्ट देयर ऑफ वेयर अक्वायर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि बिफोर जो उसने ऑफेंस कमिट किया उससे पहले था या उस वक्त तक था ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड देयर वॉज नो अदर लाइकली सोर्स आर अक्वायरिंग सच एसेट्स और पार्ट देयर ऑफ, और जो इसके पास एसेट्स मौजूद थे और गलबन ये नज़र आ रहा है कि उसका कोई और सोर्स नहीं था जिससे वो ये बना सकता है एसेट, तो इस तरह का मामला होगा। फिर क्या होगा? इट शेल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड, कि यही अज्यूम किया जाएगा, यही समझा जाएगा कि इसके जो ये एसेट्स हैं एंटी नारकोटिक्स के बिजनेस से ही जो पैसा इसने कमाया उससे बनाए हैं। हाँ, अगर वो साबित कर देता है, उसका मनी ट्रेल दे देता है, उसकी वजह बता देता है कि ये मेरा सोर्स था, मैंने यहाँ से फलां चीज़ सेल की या मुझे इनहेरिटेंस विरासत में कुछ मिली या मैंने कोई बिजनेस किया था उसमें से मुझे लॉटरी निकली, फलां व्हाटएवर जो भी सोर्सेज हैं वो लीगली प्रूव कर देता है तो ये सही है, अदरवाइज ये अज्यूम किया जाएगा कि उसने नारकोटिक्स के डीलिंग से ये कमाया। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट सच एसेट्स और पार्ट देयर ऑफ वर अक्वायर्ड जनरेटेड और ऑब्टेंड थ्रू कल्टीवेशन, कि इस तरह की जो कमाई होगी या जो इस तरह के एसेट्स हैं उसने हासिल किए हैं कल्टीवेशन, यानी कि उसने अफीम चर्स वगैरह के जो पौधे हैं या जो मुख्तलिफ इसके पौधे होते हैं जिनसे ये प्रोसेसिंग होती है, तो उसने उस अफीम या चर्स या जो इस तरह की बूटियाँ हैं उसने काश्त की थी, काश्त से उसने कमाया, या फिर उसने इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व था, या फिर उसने प्रोडक्शन के या फिर सेल किया या परचेज़ किया या फिर डील किया जो कि है ट्रैफिकिंग में आता है ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल सब्सटेंसेस, के वो अद्वियात वो चीज़ें जो नफसियाती तौर पर बंदे को किसी जो है वो नशे में मुलव्वस करती हैं, नशे में मुबतला करती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ही तसव्वुर किया जाएगा कि इस बंदे का अगर कोई लीगल सोर्स नहीं प्रूव हुआ तो इसने इस तरह का कोई बिजनेस है, और वो कोई भी नाम दिया जा सकता है कि उसने जो नारकोटिक्स की चीज़ें हैं कल्टिवेट के प्रोसेस में इन्वॉल्व था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, सेल परचेज कर रहा था या ट्रैफिकिंग कर रहा था। ये हो जाएगा सेक्शन नंबर हमारा 68 जो कि प्रिजम्पशन के मुतालिक है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 69, डिपार्टमेंट्स टू रेंडर असिस्टेंट टू स्पेशल कोर्ट्स, कि स्पेशल कोर्ट के पास जब केस जाता है नारकोटिक्स के मुतालिक और नारकोटिक्स का ये जो मामला है
एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से केस इनिशिएट किया जाए या उसके साथ लिंक हो। तो जो भी कोर्ट इस तरह के केस को सुन रही होगी, जहाँ पे उसको किसी इदारे की हेल्प की ज़रूरत होगी, वो इदारा पाबंद है कि उसको जितनी भी हो सके मदद मुहैया करे, जितनी उसको डायरेक्टिव्स मिलें कोर्ट की तरफ से, तो वो मनवान उन पे अमल करे ताकि वो केस को समझ सकें, निपटा सकें और जो मामला उनके सामने आया उसको शफाफियत से निपटा सकें। तो इसके टेक्स्ट को ज़रा देखते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के इदारे, बैंक्स भी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, कॉरपोरेट बॉडीज भी, कंपनीज, सोसाइटीज़ एंड एजेंसीज शैल असिस्ट द स्पेशल कोर्ट, डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रेसिंग ऑफ एनी एसेट्स और फॉर द असर्टेनिंग वेदर एनी एसेट्स हेल्ड बाई एनी पर्सन, हिज एसोसिएट और रेलिवेंट वर एक्वायर्ड बाई कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कि इस तरह का जो मामला कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट को ये डिसीजन करना है कि कहीं नारकोटिक्स का मामला तो नहीं है, अगर मामला है तो उसको ट्रेस किया जाए, उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं और उसमें केस में कौन उसके मददगार हैं और कौन उसके तावन करने वाले हैं, कौन उसके साथ मिलके इस धंधे में शामिल है, ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए, ट्रेस किया जाए और उनको कैफर करदा तक लेके जाने के लिए कोर्ट की मदद हो सके। तो इसमें सारे के सारे गवर्नमेंट के इदारे, बैंक्स, जितने भी इदारे इन्वॉल्व हैं, वो डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स है या फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को ऑथराइज करती है कि ये मामले को देखे, तो सबका जो है तामून करना ज़रूरी है इन इदारों को। इसके बाद होता है सेक्शन नंबर 70, नोटिस और आर्डर नॉट टू बी इनवैलिड फॉर एरर इन डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को नोटिस दिया गया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि ये फलां बंदा, फलां का बेटा, फलां इसकी निशानी है, ये इसने काम किया, उसमें कुछ उसके नाम के साथ फर्ज किया, अकबर अली नाम था उसका, तो उसकी जगह मोहम्मद अकबर लिखा जाता है और उसके गांव का नाम फर्ज किया कोई भी होता है एक्स वाई जी, तो उसके साथ थोड़ी सी नीम ऊँच हो जाती है लिखते लिखाते या डिस्क्रिप्शन करते हुए जब केस उसके ऊपर बन रहा हो। तो इस तरह का जो नोटिस उसको सर्व किया जाएगा वो इनवैलिड नहीं होगा कि इस पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच नहीं करती, लिहाजा ये इसका केस नहीं बनता, इस वजह से उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन या नोटिस कोई कोर्ट वगैरह सर्व करती है किसी क्रिमिनल को, किसी एक्यूज्ड को, नो नोटिस इशूड और आर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी इनवैलिड बाई रीजन ऑफ एनी एरर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन और एसेट्स स्पेसिफाइड देरिन, इफ सच पर्सन और एसेट्स आर अदरवाइज आइडेंटिफाइएबल फ्राम द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सच नोटिस और आर्डर। ये जो सच इस तरह का आर्डर है, नोटिस है, उससे जो लिखा गया है वो मकसद समझ आ रहा है, बस सिर्फ जो है उसमें से जैसे कहते हैं कि जो है बाल की खाल उतारना, बाल की खाल उतारने के चक्कर में उसको थोड़ा सा और रंग देने की कोशिश की जाए तो ये इनवैलिड होगी, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद होता है सेक्शन नंबर 71, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि अगर आप मेरे पास कुछ पावर्स हैं कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ये काम भी कर सकता हूँ और मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं 20 मुझे मेन जो है फंक्शन दिए गए और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि डेली बेसिस पे मैं 20 फंक्शन अपने निभा सकूँ, और मुझे किसी डिपार्टमेंट में एक मिल जाती है, वो पावर मिल जाती है और मैं अपने फंक्शन जो मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं हर एक को दो दो तीन तीन मैं फंक्शन दे देता हूं कि तुमने इसको लुक आफ्टर करना है, इसको तुमने लुक आफ्टर करना है। तो इस तरह का मामला होगा तो ये जो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ किसी को देने दे रहा हूँ ताकि वो इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करे और अल्टीमेटली हम ट्रांसपेरेंट मैनर से हर चीज़ को कवर कर सकें, तो ये इस तरह का जो पावर का अपनी पावर्स को दूसरे अपने सबॉर्डिनेट वगैरह को देने का जो अमल होता है उसको कहते हैं डेलीगेशन। तो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने जितने अपने इदारे बनाए होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए उनको अपनी पावर्स डेलीगेट कर देती हैं और उन इदारों में जो हेड होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो इदारे का जो हेड होता है वो अपने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को अपने कुछ ना कुछ फंक्शन दे देता है। इस तरीके से अल्टीमेटली मकसद क्या होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ होती हैं उन लोगों ने पूरी करनी होती हैं। तो ये डेलीगेशन का प्रोसेस है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 है, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम नेसेसरी टू एक्सपीडिएंट
टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल और एनी अदर अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट की जितनी जिम्मेदारियाँ हैं जहाँ पे ज़रूरी है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दिया जाएगा और ये पावर्स जो हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं सूबाई हुकूमत को या फिर डायरेक्टर जनरल या फिर सूबाई हुकूमत के लेवल पे किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को भी ये इस तरह की पावर जो हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं ताकि वो उनको बेहतर अंदाज से लेके चले। सब सेक्शन टू में है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू द अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ दैट गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पावर दी सूबाई हुकूमत को, सूबाई जो हुकूमत है वो भी इस तरीके से नोटिफिकेशन दे सकती है ऑफिशियल गजट में और उसकी कुछ वो लिमिटेशन बताएगी कि ये शराइत और जवाबित हैं इसके अंदर रहते हुए आपने ये काम करना है और ये अपनी पावर जो है किसी इदारे के हेड को या किसी एक ऑफिसर को अथॉराइज करके उसको डेलीगेट कर सकती हैं पावर और ये ऑफिशियल जो गजट है उसमें मेंशन करना लाजमी है। तो ये था आज का हमारा लेसन और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ओवरऑल इसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।